गौर करेंगे तो देखेंगे कि आज के दिन इंसान में ज्यादा से ज्यादा पानी का लालच बढ़ता जा रहा है और शायद इसी के कारण इंसानियत कम होती जा रही है। यहाँ तक कि लालच के चलते इंसान आजकल एक दूसरे को मारने से भी दो बार नहीं सोचता। आपने अभी देखा, ये दो एग्जांपल्स हैं जो साबित करते हैं कि आज के दौर में लोगों के लिए जान की कीमत क्या है। क्या हुआ था इन दोनों के साथ कि इन दोनों का अंजाम इतना भयंकर था? कौन थे ये दोनों? क्या इन दोनों का कनेक्शन सिर्फ इनके कत्ल के साथ था या जीते जी भी इनका कोई कनेक्शन था? ने काम बहुत था, सेठ ने दूसरे गांव भेजा था काम के सिलसिले में। हमें सब पता है कि आप पूरा दिन क्या काम करते हैं। यहाँ घर में खाने को दाने नहीं है और साहब को अय्याशा करनी होती बात। सच बोलोगे तो क्यों नहीं करोगे यकीन मैं? पगला गई हो क्या? हाँ, दरवाजा खोल के सो रही हो? कुछ चोर वोर आ गया तो का? तो का चुरा कर लेकर जाएगा वो इस घर में से? है का इस घर में चुराने को? चुप कर, चबर चबर मत कर, भूख लगी खाने दे। भूख तो हमें भी लगी है लेकिन कुछ नहीं है खाने को। कुछ नहीं है मतलब? कुछ था ही नहीं बनाने का तो का बनाते हम? अरे किराने वाले से राशन ले आती ना। किराने वाले का इतना उधार हो गया है कि वो अब राशन ही नहीं दे रहा हमको। तो खाने को नहीं मिलेगा कुछ? क्या करिए? पियो और सो जाओ, अब से ये ही मिलेगा जब तक तुम पैसे का इंतजाम नहीं करते हो। मजाक बना के रख दिया। मजाक तो तुमने हमारी जिंदगी का बना के रख दिया है। कहाँ जा रही है पुष्पा? पुष्पा रुक, ए पुष्पा रुक। क्या भाग रही? सर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी है सर। पुष्पा नाम है सर, 28 साल की है, 2 दिनों में सर गायब हुए। और आप कौन है, क्या लगते हैं इनके? सर ये जानने वाली बहन की तरह है सर। ये तो शादीशुदा लगती है। हाँ सर। तो इनके पति का है, वो क्यों नहीं आया कंप्लेंट लिखवाने? सर इनके पति का नाम लल्लन है, दिल्ली में छोटा सा बिजनेस है सर, तो चिलकाना और भुल्ली गांव आना जाना होता रहता है। वो यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि पुष्पा ने ललन को छोड़ दिया सर। वो सरपंच है ना सर प्रताप यादव भुल्ली गांव के, उनसे शादी करने वाली थी लेकिन 2 दिन पहले मुझे रात को कॉल आया कि पुष्पा। हेलो। हेलो अखिलेश, तुम हमें लेने आ सकते हो? अभी? हाँ अभी, जल्द से जल्द प्लीज। हुआ क्या है पर? अखिलेश हमने फैसला किया है कि हम प्रताप यादव से शादी नहीं करेंगे। क्या हुआ? वो हम तुम्हें मिलने के बाद बताएंगे, प्लीज हमें लेने आ जाओ, 9 बजे तक आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं इंतजार करता रहा सर लेकिन वो आई नहीं। मैंने फ़ोन भी किया लेकिन फ़ोन अब तक बंद आ रहा है। अगले दिन मुझे दिल्ली जाना था तो मैं चला गया। वापस आने के बाद मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो ना ही प्रताप यादव क्या है ना ही ललन सिंह क्या। लेकिन ये प्रताप यादव की तो 2 दिन पहले शादी हो गई है ना? हाँ सर किसी और से की, मैं ज़्यादा नहीं जानता सर, आप प्लीज़ पता लगाइए ना कि कहाँ है। अरे हमें क्या पता पुष्पा कहाँ है? अभी कुछ दिन पहले सरपंच कार्यालय से एक लड़का भी आया था उसके बारे में पूछने के लिए। जानते हैं हम, इसलिए यहाँ आए। आपकी और पुष्पा की शादी होने वाली थी ना? हाँ हम पुष्पा से शादी करने वाले थे
वो अपने पति से तलाक दे के हमारी मदद के लिए आई थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले वो गायब हो गई। हम ये शादी नहीं करना चाहते, इसलिए हम अपने पति के पास वापस जा रहे हैं। क्या तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो पुष्पा मेरी? हेलो हेलो। लेकिन अखिलेश ने बताया कि वो लल्लन के पास वापस नहीं गई। तो गई होगी, गई। देखिए पुष्पा ने जो भैया को बताया हमने आपको बता दिया, पता है उसकी वजह से हमें कितनी परेशानी हुई। शत्रु, नाक कटने की नौबत आ गई थी दरोगा जी हमारी। एक दिन बाद शादी थी, आसपास के तमाम गांव में निमंत्रण दिया हुआ था। वो तो भगवान की कृपा है कि शादी से एक दिन पहले हमें सपना मिल गई जिनसे हमारी शादी हुई, वरना कितनी बदनामी होती हमारी। लीजिए चाय पीजिए। उस तरफ चल, दिखा पूजा, जरा चेक करो गुप्ता, आसपास चेक करो। सर बॉडी को देख के इसकी उम्र तो नहीं बता सकते, लेकिन लड़की यंग ही होगी। पूजा जरा इसका हाथ देख, ये अंगूठी निकालो इसके। शर्मा तुम्हें याद है दिसंबर के महीने में हमारे थाने में एक औरत की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी, वो सरपंच जिसकी शादी होने वाली थी, जिसकी बीवी शादी से एक दिन पहले भाग गई थी, उस औरत की तुम्हारे फोन में उसकी फोटो होगी। सर है, जरा जूम करो इसके हाथ पे, इसकी अंगूठी पे, और इस अंगूठी से मैच करो। एग्जैक्टली वही है। सर अंगूठी देख के तो ऐसा लगता है कि पुष्पा की है, पर हाँ कंफर्मेशन के लिए हम उसकी फैमिली से डीएनए मैच कराना चाहते हैं। उसके किसी फैमिली मेंबर को जानते हो? नहीं सर, मैं तो नहीं जानता, लेकिन लल्लन जानता होगा सर। लल्लन पुष्पा हमेशा पैसों के लिए झगड़ा करती थी मुझसे, कितनी बार तो खाना भी नहीं बनाती थी, मुझे भूखे पेट पानी पीकर सोना पड़ता था। 3 महीने पहले वो घर छोड़कर चली गई, बाद में पता चला कि वो भुल्ली गांव के सरपंच की वहाँ ठहरी हुई, और उसी सरपंच प्रताप यादव के साथ शादी करने वाली है। उसके बाद उसका क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, और मैं जानने की कोशिश भी नहीं की। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि पुष्पा ने जब तुम्हारा घर छोड़ा उसके बाद से तुमने उससे कभी बात नहीं की? कसम से सर कभी बात तक नहीं की मैंने उससे। अच्छा, झूठ बोलता है हमारे साथ? पुष्पा के कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, 13 दिसंबर की रात को उसने तुझसे फ़ोन पर बात की थी, उसके बाद वो गायब हुई है। हाँ हाँ सर, एक कॉल आया था मुझे, मैं हेलो हेलो बोल रहा था लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा कि कॉल अचानक कट गया। और फिर तेरी कोई बात नहीं, तूने कॉल बैक भी नहीं किया? हाँ मैंने दोबारा कॉल नहीं किया, क्योंकि मुझे इस बात का गुस्सा है कि वो मुझे छोड़ कर गई है। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या मिल गई क्या आपको? वो नहीं मिली है, लेकिन एक औरत की लाश मिली है। क्या? और हमें शक है कि वो पुष्पा की हो सकती है। लाश? शर्मा जरा वो अंगूठी दिखाओ, जरा ये अंगूठी देखो और बताओ पुष्पा की है क्या ये? ऐसी अंगूठी पुष्पा भी पहनती थी। नहीं मतलब? मतलब इस तरह की अंगूठी गांव की हर औरत पहनती है, मंदिर के बाहर बिकती है सब, लेकिन ये पुष्पा की है या नहीं ये बता नहीं सकता। पुष्पा की फैमिली में कोई और भी है? कि फैमिली में सर एक भाई है हरी शुक्ला, कानपुर में रहता है। नंबर दो उसका। शर्मा ये पुष्पा के भाई हरी प्रसाद का पता लगाओ और उसका डीएनए सैंपल कलेक्ट करो, और ये लल्लन इसकी पूरी कुंडली निकालो। ऐसा करो एक कांस्टेबल को सादी वर्दी में इस लल्लन पर नजर रखने के लिए बोलो। सर अब 1 महीने में हमारे फेरे भी हो जाएंगे। शत्रु हमें ना तुमसे कुछ बात करनी थी। बताओ। हम चाहते हैं कि शादी के बाद हमारा अलग घर हो। क्यों? भैया भाभी के साथ क्यों नहीं रहना? पर शत्रु हमारी प्राइवेसी का क्या? तो जो एक साथ रहते हैं उनका प्राइवेसी नहीं होता क्या? ऐसे तो जॉइंट फैमिलीज होते ही नहीं, और भाभी के बिना रहना तो मैं सोच भी नहीं सकता। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सपना भाभी हमेशा से वहीं रहती थी। हमेशा से नहीं रहती थी, पिछले 3 महीने से आई हुई है, लेकिन भाभी बहुत अच्छी है। क्या बात है भाभी, माँ बिल्कुल ऐसी मालिश करती थी।
तुम जब सपना भाभी से मिलोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो कितनी अच्छी है। अरे अच्छा हुआ वो पुष्पा भाग गई और भैया को सपना भाभी से शादी करनी पड़ी। किस्मत अच्छी है उनकी। देखो सब ठीक हो जाएगा। सर, पुष्पा के भाई हरी शुक्ला के अनुसार पुष्पा की उससे बात ही नहीं हुई थी। लेकिन उसका डीएनए सैंपल तो लिया ना तुमने? ले लिया है सर। वेरी गुड, इस सैंपल को बॉडी के साथ टेस्टिंग के लिए लैब में भेज दो। सर, कांस्टेबल अमित यादव का कॉल आया था, ललन गांव के बाहर भवानी मंदिर में शादी कर रहा है। अच्छा, ओम श्री सिद्धि विनायक स्वाहा, अष्ट विनायक स्वाहा, ओम गण गणपतये स्वाहा। सर, जिस कांस्टेबल को हमने ललन पे नजर रखने के लिए कहा था, उसने हमें बताया कि पिछले 2 सालों से ललन का चक्कर चिलकना गांव की एक औरत अंबिका से चल रहा है। इसी बात को लेकर पुष्पा ललन पे बहुत चिढ़ती भी। जैसे ही पुष्पा ने घर छोड़ा, लोगों ने बताया कि अंबिका को ललन के घर पे रात बेरात देखा गया है। इस ललन को बहुत जल्दी है दूसरी शादी करने की। इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ रस्में हमारे साथ भी निभाई है। सर क्या हुआ? सर पुष्पा के होते हुए तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? तुम्हारी पत्नी है ना पुष्पा? लेकिन आप ही नहीं तो बोले थे कि पुष्पा मर चुकी है। ऐसा नहीं कहा था कि वो मर चुकी है, सिर्फ इतना कहा था कि क्या वो पुष्पा की बॉडी है हमें शक है, कंफर्म नहीं किया था। लेकिन तूने तो कंफर्म ही कर दिया है। ऐसा तो नहीं तूने पुष्पा को मार दिया इसलिए तू अंबिका से दूसरी शादी कर रहा है? पुष्पा के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट करो इसे। अरे सर रुकिए, एक मिनट सर, एक मिनट बात सुनिए सर। देखिए ये सच है कि पुष्पा की वजह से पैसा और डील खो दिया था मैंने, लेकिन मैंने इसको मारा नहीं सर, मैंने इसको मारा नहीं। कौन सी डील और कौन सा पैसा? प्रताप यादव की डील थी सर, वो पुष्पा के साथ 4 साल के लिए शादी करना चाहता था, इसके बदले में वो हर महीने मुझे 2.5 लाख रुपया देने वाला था सर। 4 साल के लिए शादी? ऐसी कौन सी डील होती है भाई 4 साल के लिए शादी? नहीं अगर मान भी लें कि कोई ऐसी डील होती भी है, और वो प्रताप यादव ऐसा क्यों करने वाला था? मैं बताता हूँ सर, ये जो प्रताप यादव है ये 2 बार से सरपंच पद पर था, लेकिन इस साल सरपंच की सीट औरतों के लिए आरक्षित थी और वो कुंवारा था, इसलिए वो चाहता था कि कोई औरत नकली पत्नी बनके उसके साथ रहे सर, बस और कुछ नहीं। तो पुष्पा ही क्यों? देखिए सर वो मुझे स्कूल के टाइम से जानता था, इसलिए वो मेरे घर पे आया और ये सब। अरे ऐसे कैसे देते अपनी पत्नी को प्रताप, और आ गए हो का? ठंडे दिमाग से हमारी बात को समझो ललन। देखो हम तुम्हारे बचपन के स्कूल के दोस्त हैं, हमको मना कर रहे हो तुम? वैसे भी हमको एक औरत चाहिए जिसे भूलनी गाँव में कोई नहीं जानता। अरे नकली शादी या डील है डील। अरे कैसे हम अपनी पत्नी को तुमको दे दे? कुछ भी, हम तैयार है जी। क्या बात कर रही हो? बोरा तो आप गए जो घर आई लक्ष्मी को मना कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारी गृह लक्ष्मी को किसी गैर मर्द के साथ भेज दे, उसके साथ सुला दे क्या? अरे क्या बोल रहे हो, नकली शादी है, हाथ भी नहीं लगाएंगे पुष्पा को, हम अलग कमरे में रखेंगे उसको, बस पब्लिक के सामने हमारे साथ रहना पड़ेगा और सरपंची का काम सिखा देंगे इसको हम, बिल्कुल चिंता मत करो। है हाँ बोलो। हम तैयार है प्रताप जी, बताइए कब करनी नकली शादी। बहुत बढ़िया, ये हुई बात। अरे सुनो सुनो, पकड़ो आप प्रताप, 1.5 लाख रुपए रखो पैसा, और सुनो बस एक काम करना है कि 4 साल तक पुष्पा को फोन नहीं करोगे तो। हाँ ठीक है, तैयारी करो। पुष्पा के अंदर पैसों का लालच भरा पड़ा था सर, पैसे को देखते ही नियत खराब हो जाती थी उसकी, एक दिन पैसा लेकर भाग गए मेरे घर से सर। भागी? किसके साथ भागी वो, कौन था वो आदमी? चेहरा ठीक से देख नहीं पाया, हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो प्रताप यादव के घर पे है, उसके साथ शादी करना चाहती है। तो अखिलेश ने तुझे ये नहीं बताया कि पुष्पा ने प्रताप के साथ शादी नहीं की है, वो वहां से भी भाग गई है? हाँ बताया था सर उसने, लेकिन वो यहाँ भी नहीं आई, शायद वो बाइक वाले के साथ भाग गई होगी, उसे वैसे भी मेरी नहीं पड़ी सर, मैं इसके बारे में क्यों सोचूं सर, और क्यों ना करूं मैं दूसरी शादी, बताइए मुझे। नहीं कहानी तूने अच्छी सुनाई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुष्पा ने तुझे फोन किया हो कि मैं प्रताप के साथ शादी नहीं कर रही हूँ, अपने घर वापस आ रही हूँ? तुझे तो अंबिका के साथ शादी करनी थी तो तू डर गया, अरे अगर वो आ जाएगी तो इसके साथ शादी कैसे करेगा, इसलिए तूने उसे रास्ते से हटा दिया, सीधा मार ही डाला उसे। भूलनी गांव के बाहर जो लाश मिली है वो पुष्पा की है ना, वहीं मारा ना तूने उसे? कसम से बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, मैंने उसको नहीं मारा सर। वो तो हम पता लगा ही लेंगे कि किसने मारा है, जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता गांव के बाहर नहीं जाएगा तू, और हाँ ये दूसरी शादी करने की भी जरूरत नहीं है, समझ गया? वरना तेरी बारात थाने से निकालूंगा मैं। कीजिए उस प्लॉट को डेवलप कीजिए, बस ध्यान रखिएगा कि बीच बीच में फूलों के पौधे भी लगाने हैं, पब्लिक गार्डन प्रॉपर्टी है वो। ठीक है सरपंच जी, हो जाएगा। पेपर साइन हो गए जी?
ये लीजिए 5 लाख रुपए। पेपर दो। ठीक है सरपंच जी, हो जाएगा। राज, राज कहाँ रहता है ये? जी जी जू, प्रणाम। राम प्रसाद की फाइल का क्या हुआ? वो तो मैंने तेज प्रकाश को बोला था ना उन्हें दिखाने के लिए। जब तेज प्रकाश को बोलना होता तो तुमको क्यों बोलते हम? जीजू पर वो तो मैंने, हमारे जीजू होने का फायदा मत उठाओ। वैसे भी पूरे गांव में सपना के सरपंची का डंका बजाते फिरते हो। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जी जी जी। कैसे हो भैया? नमस्ते भाभी। नमस्ते। जी भैया, वो ट्यूबवेल वाले केस में शास्त्री जी मान गए। देखा, सीखो इनसे कुछ। हमारे भाई होने के नाते अकड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, जो काम हम इनको बोलते हैं पूरी ईमानदारी से पूरा करते हैं, किसी दूसरे पे थोपते नहीं हैं, समझे? जीजू पर वो काम में सही तो कह रहे हैं, कुछ सीखो शत्रु से, पर नहीं, तुम्हारे दिमाग में तो गोबर भरा है। अब खड़े क्या हो, जाओ यहां से। प्रणाम। शत्रु, आज तुम्हारी शादी के कार्ड छपके आ जाएंगे और आज हम तुम्हारी पसंद का खाना बनाएंगे। जी भाभी। चले जी। अरे राज, अरे क्या कर रहे हो, नीचे उतरो गिर जाओगे। आपको क्या फर्क पड़ता है, जाओ अपने पति और देवर को देखो, मैं तो नौकर हूं ना घर का। कैसी बातें कर रहे हो, चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो। दो लोग आपको मिलके सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, आपको ये बात समझ नहीं रही है? सिर्फ रबर के स्टैंड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जीजू आपका और कुछ नहीं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक बात आप ही मुझे बताओ, महीने में लाखों कमाते हैं जीजू, उसका एक डहला भी देते हैं आपको? नहीं। अरे जरूरत पड़ने पर जब भी उनसे पैसे मांगे हमेशा दिए हैं ना उन्होंने। ये भीख के पैसे ना आपको अच्छे लगते होंगे, मुझे नहीं अच्छे लगते। और किस चीज के लिए पैसे मांगते हैं आप? घर गृहस्थी चलाने के लिए? उसके अलावा एक रुपया भी मांगे आपने कभी ऊपर से? राज, अभी हमारी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं, अपने जीजू को थोड़ा सा वक्त तो दो ना, ताकि वो हम पे विश्वास कर पाए। दीदी आप गलत फहमी में, आप जो सोच रहे ना वैसा दिन कभी नहीं आएगा। अरे राज, सर हमने प्रताप के बारे में पता किया, तो उसका राइट हैंड तेज प्रकाश एक हिस्ट्री शीटर है, उसकी बीवी राजेश्वरी प्रताप के घर नौकरानी का काम करती है। सर पड़ोसी उससे पूछताछ की तो एक पड़ोसी कमली सिंह ने हमें बताया कि राजेश्वरी को भूषण ज्वेलर्स के यहाँ पे चांदी के बर्तन बेचते हुए देखा है मैंने। तो राजेश्वरी ने चोरी की? जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि प्रताप भैया ने उसे गिफ्ट दिए थे। गिफ्ट? हाँ, पहले भी मैंने ऐसे गिफ्ट बेचते हुए दुकान पर उसको देखा है, लेकिन लगता है जब से सपना भाभी आई है उसे गिफ्ट मिलना बंद हो गया है। ये राजेश्वरी और प्रताप यादव, इन दोनों का कोई चक्कर है क्या? सर कमली ने कुछ खुल के नहीं बताया। उसने नहीं बताया तो सीधे राजेश्वरी से पूछते? सच कहते साहब, वो सारे गिफ्ट भैया जी ने दिए थे। साहब हम भैया जी के गिफ्ट घर पे नहीं रख सकते थे, इसलिए हमने बेच दिया, क्योंकि वो भैया जी और शत्रु अच्छे आदमी नहीं है। अच्छे इंसान नहीं है, इसका क्या मतलब? साहब बहुत मौका परस्त लोग हैं, मतलब अपने फायदे के लिए कभी भी बदल सकते हैं। देखिए ना, यूँ तो भैया जी ने कभी शादी नहीं की, सारी जिंदगी कुंवारे थे, पर जैसे सरपंच की कुर्सी बचाने का मौका आया उन्होंने फटाफट शादी कर ली। भैया जी की पीने की आदत है, पीने के बाद वो बहुत बदतमीजी करते हैं। और तुम्हारा पति, वो कौन सा दूध का धुला है? साहब हम मानते हैं कि वो दूध के धुले नहीं है, पर जब से उन्होंने हमसे शादी की वो बदल गए। हाँ, वो भैया जी के छोटे मोटे बुरे काम कर देते हैं, मतलब लोगों को डराना धमकाना, उनके पैसों को संभालना। तुम्हारे भैया जी के लिए तुम्हारे पति तेज प्रकाश ने कोई खून भी किया है? ये आप क्या बोल रहे हैं साहब, हम खूनी नहीं है। तो इतना डर क्यों रहे हो? साहब पुलिस को देख के कौन ही डरता है, अब हम लोग तो गरीब आदमी है साहब, जैसे तैसे करके गुजारा होता है, हमें छोड़ दो साहब। 13 दिसंबर को कहाँ थे तुम? 13 दिसंबर मतलब जिस रात पुष्पा गायब हुई, उस रात कहाँ थे तुम? साहब ये तो घर पर ही थे। हाँ साहब, मैं घर पे ही था,
और अगले दिन जब हवेली पहुंचा तो पता चला पुष्पा जी भाग गई। भैया जी बहुत गुस्से में थे क्योंकि शादी की सारी तैयारियां हो गई थी। सर डीएनए रिपोर्ट आ गई है। बॉडी का डीएनए पुष्पा के भाई हरी शुक्ला से मैच हो गया। तो मतलब साफ है बॉडी पुष्पा की ही है सर। और सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से पुष्पा की मौत 13 दिसंबर के रात को ही हुई। और इस अखिलेश ने हमें बताया था कि पुष्पा का 13 दिसंबर की रात को 8 बजे फोन आया था और 9 बजे दोनों मिलने वाले थे, लेकिन पुष्पा अखिलेश से मिलने पहुंची नहीं, मतलब तब तक वो मर चुकी थी। सवाल तो वही का वही है कि उसे मारा किसने? सर ललन, मुझे नहीं लगता। मैंने ललन और अंबिका के मोबाइल की लोकेशन चेक की। उस रात दोनों की मोबाइल की लोकेशन ना तो जंगल के पास की थी और ना ही भूलनी गांव। दोनों की लोकेशन ललन के घर के पास की ही थी। लेकिन ये भी तो हो सकता है ललन ने पुष्पा को मारने के लिए किसी को सुपारी दी हो, क्योंकि पुष्पा न सिर्फ किसी और की बीवी बनने के लिए तैयार हो गई थी बल्कि ललन ने जो डील का पैसा एडवांस में लिया था 1.5 लाख रुपया वो भी लेकर भाग गई थी। इस ललन के पास पुष्पा को मारने का सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिव है। इसे अरेस्ट करो, तब तक मैं प्रताप यादव से जरा पता करता हूँ कि पुष्पा के बारे में उसने हमसे झूठ क्यों बोला। तुम मानते हो तुमने ऐसी डील ऑफर की थी? हाँ की थी, तो कौन सा नया काम है इस देश में ये? और इतनी आसानी से अपनी कुर्सी कौन जाने देता है? और हम तो इस कुर्सी पे लोगों की भलाई के लिए बैठे हैं, और कोई गैर कानूनी काम हमने नहीं किया। ललन को अच्छे खासे पैसे का वादा किया था, 1.5 लाख रुपये एडवांस दिए थे, और वो पुष्पा तो खुद हमारे दरवाजे पर आई थी, शादी करने के लिए तैयार थी, एंड टाइम पे धोखा दे दिया उसने। उसने धोखा दिया, मार दिया उसे। सर आप ले चलो इसे। लेकिन क्यों सर? मैंने क्या किया सर? पुष्पा का मर्डर। एक मिनट सर, मैंने पुष्पा को नहीं मारा सर। आप प्रताप शत्रु से पूछे ना, उन्होंने मारा होगा सर। भैया ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत किसी भैया पे इल्जाम लगा रही है? हिम्मत की बात करेगा ना। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, हमने कहा ना कि पुष्पा की मौत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या हुआ था उस रात? देखिए, हम पुष्पा से मिलने उसके कमरे में गए तो पुष्पा हमें नहीं मिली। तो पूरे घर को ढूंढा हमने, वो कहीं नहीं मिली। फिर बाद में पुष्पा का फोन आया, उसने बोला कि वो हमसे शादी करने को तैयार नहीं है, इसलिए घर छोड़ के गई है। उस रात तुमने पी रखी थी? ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप? हमने सुना है तुम रोज पीते हो और पीने के बाद जरा ज्यादा ही तरन्नुम में आ जाते हो और बदतमीजी करने लगते हो। हो सकता है उस रात तुमने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, उसने विरोध किया, तो मार डाला उसे। देख क्या बकवास कर रहे हो। एक 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 मिनट इंस्पेक्टर साहब, बात कर रहे हैं ना हम, आप हाथ क्यों चला रहे हैं? हम मानते हैं कि हम रोज शराब पीते हैं, लेकिन हम किसी औरत के नजदीक नहीं जाते, यहां तक कि हम किसी को छूते तक नहीं है। चाहे तो आप सपना से पूछ लीजिए। अपनी पत्नी को भी नहीं छूते? देखिए, हम पराई औरत के बारे में बात कर रहे हैं। तेरह तारीख को कहाँ था तू? मंगेतर के साथ फिल्म देखने गया था सहारनपुर में, वहीं पे खाना खाया और 11 बजे घर वापस आ गया। सपना जी? जी। पुष्पा को जानती हैं? जी नहीं। राजेश्वरी को आप बड़े महंगे तोहफे देते हैं। हाँ, बोनस होली दिवाली देते हैं क्यों? हमें पता चला है कि राजेश्वरी मार्केट में बड़े महंगे महंगे सामान बेच रही है, ये कहकर कि वो तोहफे आप उसे देते थे। अपना लॉकर, अपना सामान जरा चेक कर लीजिएगा। सर राजेश्वरी के अनुसार प्रताप पीने के बाद कंट्रोल में नहीं रहता था। हाँ, लेकिन जब हमने प्रताप से पूछताछ की थी तो उसने बताया था कि उसने किसी भी औरत के साथ कभी भी कोई बदतमीजी नहीं की, और सपना ने उसके हाँ में हाँ मिलाई थी। कहीं ये सपना प्रताप की टेम्परेरी बीवी तो नहीं है, जैसे कि पुष्पा होने वाली थी? हो सकता है सर। तेरे गांव में जाकर पता करो, इस प्रताप ने कभी किसी गांव वाली औरत के साथ कोई बदतमीजी की थी क्या? सर सर मैडम, वो तो किसी औरत की तरफ नजर उठाकर देखते तक नहीं थे। मुझे बहुत गर्व है कि मेरा बेटा प्रताप भैया जी को अपना आदर्श मानता है। अरे गांव वालों के हिसाब से ये प्रताप यादव भगवान के समान है, तो इस राजेश्वर ने हमें कौन से प्रताप के बारे में बता दिया? शत्रु और हमने पूरे घर के सामान को चेक किया, ये रही वो लिस्ट जो तुमने पिछले कुछ दिनों में चुराई है। चुप बोलो, चुप बोलो। भैया जी
जी, इसमें कोई गलती नहीं है। इस सारा सामान हमने चुराया था पैसों के लिए। हमें माफ कर दीजिए भैया जी। तुम्हारा अपनी शक्ल मत दिखाना मैं। निकल जाओ। तुम भी जाना चाहते हो? भैया जी, हमारी बीवी की गलतियों को माफ कर दीजिए भैया जी। आप जैसा मालिक हमको कहाँ मिलेगा भैया जी? हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे भैया जी, बस हम यही रहेंगे। हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे भैया जी। प्लीज हमको माफ कर दीजिए भैया जी। भैया जी माफ कर दीजिए। बोल रहा सर, हो सकता है प्रताप में कोई कमी ना हो, लेकिन ये नई सरपंच सपना यादव, उसके बारे में ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि प्रताप से पहले उसकी शादी अमर शर्मा नाम के एक आदमी से हुई थी। ठीक है, अमर और सपना इन दोनों से अलग अलग बात करते हैं। हाँ सर, मैं ही हूँ सपना का अभागा पति, अमर शर्मा। अभागा? अरे अपनी बीवी को छोड़ दिया फिर भी खुद को अभागा बता रहे हो? नहीं सर, मैंने उसे नहीं छोड़ा, उसी ने मुझे छोड़ दिया। जैसे उसे पता चला कि वो प्रताप किराए की बीवी के साथ सरपंच की कुर्सी भी दान पे दे रहा है, उसने मुझे छोड़ दिया। प्रताप को कैसे जानते हो तुम? सर, प्रताप कभी मेरा दोस्त हुआ करता था, लेकिन जैसे उसे पता चला कि मैं कंगाल हो गया हूँ, तो उसने मुझसे दोस्ती खत्म कर दी। लेकिन सपना बीच में आ गई, उसने बिना किसी शर्त के उसकी बात मान ली और मुझे छोड़ दिया। तो और क्या करती सर? दूसरे आदमी से शादी करना ही बेहतर था बजाय अपनी जान लेने के। अमर को शराब पीने की बहुत बुरी लत है, रोज शराब पीने के बाद वो मुझे मारता पीटता था। मैं तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देना चाहती थी। जब प्रताप जी की मुझे डील मिली तो मुझे वो मेरी हर समस्या का हल लगी, इसलिए मैंने डील एक्सेप्ट कर ली। तो सर, इसमें मैंने क्या गलत किया? और अमर तलाक के पेपर पे साइन कर चुका था। तलाक के पेपर थे? नहीं सर, वो तलाक के पेपर कैसे हो सकते हैं? वो प्रताप ने तो मुझे बोला था कि वो डील के पेपर थे। सर, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि उन कागजों में क्या लिखा था। और प्रताप ने मुझसे बोला भी था कि वो पेपर मुझे वापस लौटाएगा, लेकिन नहीं लौटाया उसने। और ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था। और रही बात तलाक की, तो उसका फैसला एक दो दिन में आ जाएगा। आप लोग चाहें तो तहसीलदार के ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं। और आज के बाद हमारी गैर मौजूदगी में हमारी पत्नी से बातचीत करने मत आइएगा। आप लोग जा सकते हैं प्लीज। सर 10 तारीख की रात पुष्पा जिस बाइक पे भागी थी, क्या भागी? वो बाइक पुष्पा को पिक करने से पहले गैराज में रुकी थी। वो गैराज बाईपास रोड पे था, माइक सीसीटीवी कैमरा था, और सर उस आदमी ने अपना हेलमेट उतारा था। सर देखिए वो आदमी कौन है। ये तब से हमें बेवकूफ बना रहा है। लेके आओ उसे। तुम्हारी लोकेशन रिकॉर्ड के हिसाब से पहले उस रात तुमने अपनी बाइक का पंचर बनवाया, फिर पुष्पा को पिकअप किया, उसे प्रताप के घर छोड़ा, उसके बाद तुम अपने घर चले गए। सही कहा मैंने? सर, मैं मानता हूँ कि उस रात घर से भागने में पुष्पा की मदद मैंने की थी। ए, रुक! पुष्पा! दरअसल क्या हुआ था सर कि पुष्पा को लल्लन और अंबिका के रिश्ते के बारे में मालूम चल गया था। वो बहुत डरी हुई थी सर अपने भविष्य को लेकर, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना 4 साल के लिए प्रताप की बीवी बन जाए। और वो पैसे सर जो उसकी डील के थे वो उसने लिए थे घर से। सर, मैंने ही उसे प्रताप के घर छोड़ा था। 2 दिन बाद उसका फिर से फ़ोन आया और उसने मुझे बुलाया, जैसा कि मैंने सर आपको बताया भी है कि मैं वहाँ गया था। सर, अच्छे से याद करके बताओ उस रात पुष्पा ने फ़ोन पर तुमसे क्या कहा था। हेलो अखिलेश, हम प्रताप यादव से शादी नहीं कर सकते। क्या हुआ? यहाँ की नौकरानी राजेश्वरी को हमने चोरी करते हुए पकड़ा, बहुत हंगामा हुआ, और उसके पति तेज उसने हमें चाकू दिखाकर धमकाया, कहने लगा कि हम अपना मुंह बंद रखें। तुम ठीक तो? हाँ हम ठीक है, तुम बस 9 बजे तक आ जाओ, बाकी बातें हम मिलकर बताएंगे। हाँ ठीक है। सर, मैंने आपको बताया तो मैं वहाँ गया था, मैं इंतजार कर रहा था लेकिन पुष्पा वहाँ आई नहीं। मैंने फोन भी लगाया लेकिन फोन नहीं उठाया सर उसने। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, पुष्पा सचमुच तुम्हारे पास आई हो, तुमने उसे शादी के लिए प्रपोज किया, उसने मना कर दिया तो गुस्से में आकर उसे मार दिया, क्यों नहीं हो सकता? सर आप ये क्या बोल रहे हैं, पुष्पा को बहन मानता था मैं। शक के बिना पर पुलिस ने अखिलेश को कस्टडी में रखा, लेकिन अभी तक पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि पुष्पा का कातिल कौन था और उसने कत्ल किया क्यों। लल्लन के पास मोटिव था तो प्रताप और अखिलेश के पास भी अपने अपने कारण थे पुष्पा को मारने के लिए। लल्लन ने कस्टडी में ये माना कि उसने पुष्पा के बारे में गलत कहा था। पुष्पा दरअसल प्रताप की डील पे कभी हाँ कहना ही नहीं चाहती थी,
पर लल्लन ने उस पर दबाव डाला और उसने खुद प्रताप से एडवांस लिया। राजेश्वरी ने कबूला कि उसने प्रताप के कैरेक्टर के बारे में झूठ कहा था पुलिस से। वो खुद सरपंच बनना चाहती थी, इसलिए उसने प्रताप को ऑफर किया था उसकी टेम्पररी बीवी बनने के लिए। लेकिन बजाय उसे चुनने के, पहले प्रताप ने चुना पुष्पा को और फिर सपना को। पुलिस कश्मकश में थी कि क्या वाकई प्रताप निर्दोष है। लेकिन दो दिन बाद पुलिस को प्रताप के खिलाफ एक कंप्लेंट मिली जिसने सबको चौंका दिया। प्रताप जी ने हमारे साथ रेप किया है सर। क्या? आपके पति ने? शादी की डील हुई थी कि प्रताप दीदी को हाथ भी नहीं लगाएगा, दोनों को अलग अलग कमरे में रहना था। सर दो महीने तक सब ठीक था, लेकिन कल रात प्रताप जी हमारे कमरे में आए। झूठ बोल रही है वो सपना, दिमाग चल गया उसका। तो तुमने सपना के साथ जबरदस्ती नहीं की? जी बिल्कुल नहीं। कल रात पीने के बाद जब हम अपने कमरे पे जा रहे थे तो वो सपना हमें खुद फंसा रही है। वो क्यों फंसाएगी? वो भी अपने ही पति को रेप के इल्जाम में। शायद उसको कोई भड़का रहा होगा। कौन? उसका नकारा भाई राज, वो भड़का रहा होगा उसे। कौन किसे भड़का रहा है और कौन छुपा रहा है वो तो हम पता लगा ही लेंगे। फिलहाल तो हमने सपना को मेडिकल के लिए भेजा है। प्रताप झूठ बोल रहा है सर, हम तो सिर्फ नाम के सरपंच हैं, एक रबर स्टैंप है। हमें कब क्या कैसे करना है इन सब का फैसला प्रताप जी करते हैं। और सर दोनों ही सूरतों में तो बदनामी हमारी ही होगी, हमें तो हमारी जान जाने का भी खतरा है कि हमारे साथ भी वो ना हो जाए जो पुष्पा के साथ। आपका कहने का मतलब है कि प्रताप ने पुष्पा को मारा? हमें नहीं पता सर, हम कुछ नहीं जानते। सर ये जो प्रताप है ये इतना पावरफुल आदमी है कि इसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और वो तेज और शत्रु उसके एक आवाज पे कुछ भी करने के लिए खड़े हो जाएंगे। सर प्लीज आप दीदी को प्रोटेक्शन दे दीजिए। देखिए इनकी मेडिकल रिपोर्ट आने तक हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें रुकना पड़ेगा। सर पर दीदी सरपंच है, आप इतना तो कर ही सकते हैं। रहने दो राज, पुलिस को अपना काम करने दो, तब तक हम अपनी रक्षा खुद ही करेंगे। थैंक यू, सॉरी। मेडिकल रिपोर्ट से ये पता चला कि सपना सेक्सुअली एक्टिव थी, लेकिन रेप का कोई साइन नहीं मिला। तो या तो इसका मतलब ये था कि ये रिश्ता दोनों की रजामंदी से हुआ, या फिर सपना ने खुद को सरेंडर किया प्रताप के आगे डर के मारे। तो क्या सपना के साथ मैरिटल रेप हुआ था, जो असल में एक शादी थी ही नहीं, सिर्फ 4 साल की डील थी। पुलिस प्रताप को लेके एक और बार कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि एक सपना प्रताप के खिलाफ फिर से कंप्लेंट लेके पहुंची कि प्रताप ने उसे मारने के लिए गुंडे भेजे थे जब वो सरपंच ऑफिस से निकलकर घर वापस जा रही थी। सपना ने जहां एक तरफ अपनी चोट के निशान पुलिस को दिखाए, वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया कि गुंडों ने उसे प्रताप की बदनामी न करने की हिदायत दी थी, और उनमें से एक की आवाज तेज प्रकाश जैसी थी। अरे हमने कोई रेप कोई अटैक नहीं किया इनके ऊपर, और हम कल पूरी शाम भैया जी के साथ ही थे, तो हम कैसे अटैक कर सकते हैं? सर ये तो एक दूसरे का ही साथ देंगे ना। कमीनी आसान फरम शांत खड़ा रहे दादा, गर्मी मत दिखा वरना यही ठंडा कर दूंगा। आधा कुर्सी के लिए ये सब डील मत करो, आपने मेरी एक नहीं सुनी। अभी देखिए भैया आपको कभी चोट नहीं पहुंचा सकते, लेकिन आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मेरे तरफ से जो कुछ भी होगा ना मैं करूंगा। आप आराम से घर में रहिए, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर किसी ने भी ना आंख उठा के देखा या इनकी कंप्लेन आई तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, समझ गया? भाभी अंदर आ जाओ। हाँ आ जाओ। ये दवाई लेके आया था मैंने, आपके दर्द में आराम मिल जाएगा, लगा दूं? मुझे पता है तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो, पर हम कसम खा के कहते हैं हम सच कह रहे हैं। Oh
सर लोकल न्यूज देखिए। क्या हुआ सर? लगाइए तो। हमारे पति प्रताप जी ने हमारे साथ जबरदस्ती की और फिर अपने गुंडों और तेज प्रकाश को भेजकर हमें धमकाया, पर इससे भी उनका मन नहीं भरा। अभी दो दिन पहले उनके छोटे भाई शत्रु ने हमारे साथ जबरदस्ती की, हमारे कमरे में मेरे घाव पर मरहम लगाने के बहाने उसने और जब हमने प्रताप जी को शत्रु जी के बारे में बताया तो उन्होंने फिर गुंडे भेजकर हमें मारा पीटा और कहा कि पुलिस के पास हम ना जाएं। पर हम पुलिस के पास जाकर करते भी तो क्या करते, क्योंकि हम गए थे पुलिस के पास पर हमें उनसे कोई मदद नहीं मिली। हमारी सुरक्षा के लिए एक कांस्टेबल तक नहीं दिया। मैं डॉक्टर शहीद हूँ। सपना जी के बाएं हाथ में काफी गहरी चोट आई है जिसकी वजह से हमें प्लास्टर लगाना पड़ा। शत्रु कमीने, एक नंबर के धोखेबाज हो तुम, एक नंबर के धोखेबाज हो तुम। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। जब तुम सपना भाभी की तारीफ करते थे, जब कहते थे कि तुम उनसे प्यार करते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने घटिया इंसान होगे। बेटा तुम नहीं, आप तो प्लीज रहने दीजिए, आप बीच में ना ही बोलिए। ऐसे भी किसी रेपिस्ट से मैं शादी नहीं कर सकती, तो आप भूल जाइए, इस घर की कभी बहू बनूंगी मैं। ये रिश्ता मैं तोड़ती हूँ, शक्ल मत दिखाना कभी अपनी। शत्रु चिंता मत करना है, हम सब ठीक कर देंगे, बिल्कुल चिंता मत करना, अभी बात करते हैं। तेज कहाँ हो तुम? अभी का भी निकलो। क्या बोल रहे हैं हम? अभी का भी निकलो। उस औरत ने जो भी इल्जाम लगाए हमारे खिलाफ सबका सब करो उसके साथ, उसे मारो, उसे चोट पहुंचाओ, खत्म कर दो उसको। क्या कहा हमने? निकलो तुरंत। मुझे इस प्रताप से फिर से बात करनी होगी, तुम जाके तेज का पता लगाओ। सर क्या था? क्या चल रहा है सर? वो सपना जो बोल रही है झूठ बोल रही है। वो तेज कहाँ है? तेज कहाँ है? बोलो शर्मा। सर ये तेज प्रताप घर पे नहीं है, राजेश्वरी ने बताया कि प्रताप के कहने पे वो सपना को मारने गया। सर मैं सपना का फोन बार बार ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। ठीक है, क्या कर रहे हैं? तेज कहाँ है? हमको क्या मालूम। अरेस्ट करो इसे और जरा चेक करो। मैंने सपना भाभी को कभी बुरी नजर से नहीं देखा, वो तो मेरे लिए माँ समान थी। उनकी गलत इल्जाम ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं फिर भी लड़ने के लिए तैयार था। पिंकी ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, अब मेरे लिए जीने का कोई मतलब नहीं है भैया, मुझे माफ कर दो। शत्रु क्या किया तूने यार? छोड़ो मारे उस कमीने को। मैं आप शांत हो जाओ, मार डालूंगा उसको। तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ मैं, लेकिन सॉरी तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। लेके चलो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और ये एविडेंस बैग में डालो। स्मिता जी आओ। सपना दीदी जिंदाबाद, सपना दीदी जिंदाबाद, प्रताप यादव। क्या बोलो? उस औरत की सच्चाई नहीं मालूम तुम लोगों को, झूठी है वो, मैं को बना रही सबको। चलो भाई यहां कर रहे हो ना। प्रताप यादव, प्रताप यादव, सपना दीदी जिंदाबाद। हाँ बोलो सर। फर्टिलाइजर प्लांट के पास एक बॉडी मिली, मैं वही जा रहा हूँ। ठीक है पहुंचता हूँ। बॉडी तेज प्रकाश की और सर इसकी पॉकेट से ये टूटा हुआ मोबाइल फोन मिला। और ये लॉकेट यहाँ पास में ही पड़ा हुआ मिला। शर्मा इस जगह का डम डाटा निकलवाओ, 13 दिसंबर का रात 7 बजे से रात 11 बजे तक का डम डाटा निकलवाओ, वहां जहां पुष्पा की लाश मिली थी। क्योंकि ये लॉकेट मैं पहचानता हूँ।
किसका है? तेरा ये लॉकेट तेज की लाश के पास मिला हमें, और तेरे फोन की लोकेशन भी वहीं की थी। और यही नहीं, 3 महीने पहले जिस जंगल में पुष्पा की लाश मिली, वहां भी तेरे फोन की लोकेशन उसी समय की दिखा रहा है। बोल, क्या कहना तुझे? क्योंकि ये लॉकेट मैं पहचानता हूं किसका है। सोच लो, अभी भी टाइम है। सच्चाई बताओगी या फिर ये जो तेरा नाटक है वो सच्चाई में बता? पता? पहले तो ये बता कि तेज प्रकाश को क्यों मारा तूने? क्योंकि वो तुझे मारने आया था। बताती हूँ। बोलो। तेज प्रकाश ने हमें बात करते हुए सुन लिया था। पुष्पा को मार कर सरपंच की कुर्सी पर बैठने का प्लान तो हमारा पूरा हो गया, लेकिन हम अभी भी एक रबर स्टैंप हैं। तुम दोनों भाइयों के ऊपर रेप का इल्जाम लगा के हमें गांव वालों से भर भर के सहानुभूति मिल रही है। तुम देखना, वो दिन दूर नहीं। सत्ता की बागडोर हमारे हाथ से दूर नहीं, और ये दोनों भाई अब जेल में सड़ेंगे। और अभी पुलिस भी इन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। हमने सब सुन लिया है। लोगों ने जो कुछ भी भैया जी के लिए किया ना, उसके लिए जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। रुको, मैं अभी पुलिस को बताता हूँ। राज, पकड़ो उसे। और पुष्पा को क्यों मारा? प्रताप की टेम्पररी बीवी का सपना मेरे पति अमर ने यह कहकर ठुकरा दिया कि मैं गैर मर्द के साथ कैसे रह सकती हूँ। बेवकूफ था वो। लेकिन जब मुझे पता चला कि पुष्पा प्रताप की बीवी बनने वाली है और पुष्पा प्रताप के घर में है, तो मैं पुष्पा से मिलने उसके घर पर गई। मुझे पता था प्रताप हर शाम को शराब पीता है। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि क्या चल रहा है? हमने राजेश्वरी को चोरी करते हुए देखा है। हमने एयरपोर्ट से देखा है। वो बोली भैया जी, चलो निकलो यहां से। आओ, चिंता मत करो, हम हैं तुम्हारे साथ। अरे हम, आप हमें छू नहीं सकते हैं। सॉरी पुष्पा। मैं पुष्पा के कमरे में गई और उसे मैंने बताया कि प्रताप शराब पीने के बाद एक अलग आदमी बन जाता है। मैंने कहा था ना तुम्हें, देख लिया ना अपनी आंखों से। पर उन्होंने वादा किया था कि वो हमें कभी नहीं छुएंगे। पुष्पा, कोई भी आदमी इस बात पे कायम नहीं रह सकता। और प्रताप जैसा आदमी जिसके पास सत्ता की कुर्सी है, पावर है, वो तो कभी भी नहीं। देखो पुष्पा, अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से। ना जाने कितनी ही औरतें इसकी दरिंदगी का शिकार हुई हैं। और इन आदमियों को क्या है, इनको तो रोज कोई ना कोई चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। देखो, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं, हम बाहर तुम्हें मिलेंगे। तुम अपना सामान जल्दी से पैक कर लो। हेलो अखिलेश। मैंने राज को पहले ही गाड़ी तैयार रखने के लिए बोला था। पुष्पा, तुमने बहुत सही फैसला किया। तुम हमको ना गांव के बाहर ही छोड़ देना। ठीक है, तुम एक काम करो, प्रताप जी को फोन करके बोल दो कि तुम उनसे शादी नहीं करना चाहती, ताकि वो तुम्हारा पीछा ना करे। हेलो, हम बोल रहे हैं, हम ये शादी नहीं करना चाहते, इसलिए हम अपने पति के पास वापस जा रहे हैं। क्या, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हेलो हेलो पुष्पा। अरे ये क्या कर रही हो? ललन को कॉल कर रहे हैं, उन्हें बता तो दें कि हम गांव वापस आ रहे हैं। अरे नहीं। हेलो हेलो हेलो, लाश को हमने जंगल में फेंक दिया, उसके कपड़े जला दिए और 1.5 लाख रुपए मैंने अपने पास रख लिए। और फिर हमने गाड़ी को अच्छे से साफ करके उसे बेच दिया। वैसे तुम बहुत कमाल की एक्टर हो है? और पुष्पा को रास्ते से हटाकर तुम खुद उसकी बीवी बन गई। वाह, और बहुत अच्छा नाटक किया तुमने उनकी बीवी बनने का। जैसे वो बोलता रहा वैसे करती रही, एकदम गुड़िया बनके। हालांकि इस बीच राज ने कई गलतियां की, पर वो मैंने सब संभाल ली।
मैं बस अपना समय काट रही थी। प्रताप और शत्रु के खिलाफ जो तुमने कंप्लेंट की थी वो छूटी थी। शत्रु तो मुझे अपनी माँ समान मानता था, बेचारा बेमतलब मारा गया। मुझे तो सरपंच की कुर्सी चाहिए थी, पूरी कुर्सी। रबर स्टैंप बनके नहीं रहना चाहती थी मैं, स्टैंप लगाने वाला हमें हाथ बनना चाहती थी। इनके खिलाफ चार्जशीट बनाओ और अब जेल में बनना तुम सरपंच, वहां मिलेगी तुम्हें कुर्सी। लालच ने तीन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। राजेश्वरी प्रताप को लालच के कारण बदनाम कर रही थी। सपना को पुष्पा को मार के टेम्पररी वाइफ बनने के बाद भी लालच खत्म नहीं हुआ, उसे और चाहिए था। और प्रताप उस सरपंच की कुर्सी पर नियंत्रण रखे रहने के लिए टेम्पररी बीबी लाने को तैयार हो गया। ये प्रताप का डिसीजन था। हमारे पूर्वजों ने बिल्कुल ठीक कहा है, लालच बुरी बला है। कई कहानियां ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं। हर किसी के जिंदगी में एक मोड़ आता है जहां से आगे बढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। आज की ये अद्भुत कहानी इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। विश्वास होता है वहीं विश्वासघात होता है, तो क्या किसी पर हमेशा के लिए विश्वास करना छोड़ देना चाहिए? भरोसा वो भावना है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा उसका बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बिना भरोसे के ना तो दोस्ती कायम रह सकती है और ना ही परिवार। बिना भरोसे के समाज का क्या होगा? नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ, जो विश्वास और विश्वासघात के बीच के चक्रव्यूह की कहानी है। नहीं मनीष, आज ना मैं बहुत थक गई हूँ। आज नहीं, सुरभि? हाँ। मैं निकल रहा हूँ। ओके। मम्मी? हाँ। मैं आ गई फिर? हो गया। ये चलो 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 बैग पानी की बोतल जल्दी। मनीष मोहित के स्कूल पहुँचना है, पेरेंट्स मीटिंग है 11 बजे, बोलना मत। याद है मुझे। कौन है रे लोग? पहले कभी देखा नहीं? हाँ, एक हफ्ते से ही देख रहा हूँ। थोड़े अजीब हैं, किसी से बात भी नहीं करते हैं, बस घर और गाड़ी यही चलता रहता है इनका।
हीना अंदर आ। पापा मत मारो ना प्लीज। पापा बहुत दुख रहा है, प्लीज मत मारो। पापा मत मारो। डर लग रहा है रूही दीदी, पकड़े गए तो? कुछ नहीं होगा रवि, पिछली बार कुछ हुआ था क्या? रूही, रूही देखो प्लीज ऐसा मत करो। रूही, रूही कहाँ हो तुम? अभी नहीं रवि, टाइम नहीं है, हम बाद में आएंगे। पर रूही दीदी पिछली बार की वजह से ही हमें ये करना होगा, जो होगा देख लेंगे। अरे रूही बेटा, इतनी सी बात के लिए थोड़ी रोते हैं, हाँ? और इन मोहल्ले के बच्चों की बातों को क्या दिल पे लगाना? पर अम्मी सही तो कह रहे, मेरे रंग की वजह से हमारा निकाह नहीं होगा। खूबसूरती रंग से नहीं अपने कर्मों से होती है, समझी? और जब तू पढ़ लिख कर बड़ी सी अफसर बन जाएगी ना, तब तेरे लिए भी लड़कों की लाइन लग जाएगी, देख लेना। अब बेटा तू अंदर जा, अपनी पढ़ाई खत्म कर। हाँ हाँ मैं। क्या होगा इसको? नहीं जी कुछ नहीं, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। सर व्हाइट बीटावेन एक घंटे पहले पाषाण में दिखी थी, इसके पास ट्रेस नहीं हुई। नाकेबंदी करवा दो, तभी चेक पोस्ट को अलर्ट करो, और इस तरह की जो भी गाड़ी दिखाई दे उसकी तलाशी अच्छे से करो। सर एटीएस को इन्फॉर्म करें? नहीं अभी नहीं, लीड हमारी है, पहले हम कंफर्म करेंगे, उठाएंगे फिर एटीएस को इन्फॉर्म करेंगे। ये सुरभि कहाँ है, वारंट मिला? सर सर्च वारंट निकलवा लिया है, घर के ओनर से भी बात हो गई, वो हमें वहीं मिलेगा। गुड सुरभि, तुम एक काम करो, धनीपुर मर्डर केस की चार्जशीट तैयार करो। गायकवाड़ तुम प्रताप के साथ जाओ और उन दोनों अज्ञात लोगों के घर में रेड मारो, देखो क्या मिलता है। जी सर। नगर पुलिस स्टेशन। सर एक्सीडेंट हुआ है, दोनों की डेथ हो चुकी है, हिट एंड रन का केस लग रहा है, और ये टायर के बड़े बड़े निशान। सर ये तो किसी ट्रक या टेम्पो को टायर का निशान लग रहा है। पूरा एरिया अच्छे से चेक करो, देखो आसपास या रोड के एग्जिट एंट्री पर कोई सीसीटीवी है क्या? ठीक है सर। तिगड़े का ही मरा लगा? नहीं घर एकदम साफ, ऐसा लग रहा है कि हमसे पहले उनको टिप्स मिल गई थी। मत बच्चों, हम लोग यहां सब आप लोगों की मदद के लिए। अच्छा जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ आप दोनों कार में थे? अच्छा बेटा आपका नाम क्या है? रवि। अच्छा वो आप लोगों के मम्मी पापा थे? इस वक्त बहुत डरे हुए हैं, फिलहाल इन्हें चिल्ड्रन होम भिजवा दो और एक काउंसलर से सेशन सेटअप करो। जी सर। सर आरटीओ से कार के ओनर की डिटेल्स भी मंगवाई। ठीक है, पता करो फैमिली में और कौन कौन है। बेटा आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं, रश्मि जी हैं, अगर कुछ भी बात करनी है तो खुलकर बात कर सकते हैं।
हेलो बच्चों, क्या नाम है आपका? बेटा अगर आप लोग बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? घर नहीं जाना है? अजीब बच्चे, बात ही नहीं करते। थोड़ा टाइम लगेगा। तो अपना बैग और दफा हो जाओ यहाँ से। आपकी सुबह हमारा है भी कौन, हम कहाँ जाएंगे? अल्लाह के खातिर रहम करिए। ये ना तुझे लड़की पैदा करने से पहले सोचना चाहिए था। अब उठाओ अपना बैग और निकल जाओ यहाँ से, और दोबारा ना अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। सर, एक्सीडेंट वाली कार में जो मोबाइल मिला था, टेक्निकल टीम को थोड़ा और टाइम चाहिए उसे ओपन करने के लिए। आरटीओ से कार ओनर की डिटेल्स मंगवा ली। ठीक है, तुम उसके घर जाओ और उसके रिश्तेदारों के बारे में पता लगाओ। सर, कंट्रोल रूम से इन्फॉर्मेशन आई है। हिंजेवाड़ी में एक वाइट वीटा वैन लावारिस खड़ी है। एक रागी ने कार के अंदर झांक कर देखा तो उसे कुछ सस्पिशियस दिखा। ठीक है, चलो। सर, मैं भी चलूं? नहीं, तुम एक्सीडेंट वाले विक्टिम के रिश्तेदारों को मैं पता लगाऊं। गार्ड पड़ो हमारे साथ आएगा। के रॉ मटेरियल्स है, लाइव नहीं है। ATS भी ऑन द वे है सर। गाड़ी का कोई नंबर प्लेट? फेक है सर। बॉम्ब स्क्वाड वाले अपना काम कर ले, उसके बाद फॉरेंसिक टीम फिंगरप्रिंट्स और DNA के सैंपल कलेक्ट करेगी। इतना एक्सप्लोजिव कोई यहाँ क्यों छोड़ेगा? शायद खौफ पैदा करने के लिए। नहीं नहीं, खौफ पैदा करने के लिए कोई इतना एक्सप्लोजिव साथ लेकर नहीं चलेगा। तो फिर आप कहना चाहते हैं कि कुछ बड़ा प्लान था? हाँ नहीं, शायद अभी भी है। इस शहर पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और हम सब बारूद पर बैठे हैं। इससे पहले कि कोई चिंगारी शहर को खाक कर दे, हमें इसकी तह तक जाना होगा। लेकिन सर, पूरे शहर में ढूंढेंगे कैसे? इस गाड़ी का फर्स्ट पॉइंट हमें लक्ष्मण ने बताया था, लास्ट पॉइंट ये है। हमें पता लगाना कि दोनों पॉइंट के बीच में गाड़ी कहां कहां गई थी। एक काम करो, इस शहर के सारे CCTV खंगाल डालो। जी सर। दीदी, बहुत डर लग रहा है। अगर पुलिस को पता चल गया तो वो हमें जेल में डाल देगी। पता चले, उससे पहले मेरे पास एक प्लान है। आंटी, 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 वो मुझे ना अक्सरवाड़ी जाना है, तो कैसे जाते हैं? हाँ, यहाँ आगे एक बस स्टॉप है, वहाँ से कोंडवा की बस ले लेना, वहाँ से नज़दीक है अक्सरवाड़ी। आंटी, आंटी, वो मुझे ना कुछ पैसे चाहिए, सिर्फ बस की टिकट के लिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। चल भाग यहाँ से। तुम लोग भीख मांगने के नए नए तरीके अपनाते हो, अगर इतना ही दिमाग पढ़ाई में लगा देती तो कुछ बन जाती। आंटी, मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा। आंटी, बाबा, हमारा घर तो इधर है, हम घूमने जा रहे हैं। नहीं बेटा, हम घूमने नहीं जा रहे, हम तुम्हें कुछ दिनों के लिए तुम्हारी नानी के घर पे छोड़ने जा रहे हैं। लेकिन क्यों? ना, बहुत जल्दी हम खुद आएंगे तुम्हें लेने के लिए। कैसे भागते रहेंगे? कृति को तो खाने पीने पहनने में सब में नखरे आते हैं,
माँ एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना बेटा। आप मेरे बाबा को खा गई क्या? ये कहाँ से सीख के आया? ऐसा बात करता है कोई अपनी माँ से? नहीं, वो गायत्री काकी बोल रही थी कि तेरी माँ तेरे बाप को खा गई। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। इसके पापा की जमीन बिक जाएगी तो मैं और मेरा बेटा ये गांव छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे दुखी मत रहो, कल रवि को मेरे साथ भेज देना, कृति के साथ थोड़ा खेलेगा तो उसका मन भी बहल जाएगा। भैया कुछ पैसे दो ना, बहुत दिन से खाना नहीं खाया। कितने दिन से खाना नहीं खाया? 2 दिन से। इंटरस्टेट अलर्ट, इसकी क्या जरूरत है? सुरभि वो अनाथ बच्चे, इत्तेफाक से एक्सीडेंट स्पॉट पे आ गए। अब हमने उन्हें विक्टिम के बच्चे समझ लिए, इसमें गलती हमारी है। सर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि वो बच्चे कुछ छिपा रहे हैं। केस से रिलेटेड? सर नॉट श्योर, शायद। सुरभि काम पे ध्यान दो। उस एक्सीडेंट वाली गाड़ी का कुछ पता चला? नहीं सर, एग्जैक्टली पता नहीं चला अभी तक। एक्चुअली उस रोड पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, बट मैं फॉलो अप कर रही हूँ सर। धनीपुर मर्डर केस की चार्जशीट? जी कोर्ट में सबमिट कर दी। ठीक है जाओ। सर वो इंटरस्टेट अलर्ट जारी करवा दो बच्चों के लिए। ठीक है बट डोंट वेस्ट टाइम, और सबसे पहले उस गाड़ी का पता करो। जी थैंक यू सर। भूख लगी है, वड़ा पाव मिलेगा क्या? दो ना। खाना खाओ फटाफट। मोहित खाना पूरा खत्म करो। कुछ पता चला उन बच्चियों का? नहीं मनीष, पता है उन बच्चों को देखकर कुछ अजीब सा लगता है। मैंने एक केस पढ़ा था 10-11 महीने पहले, बिहार का था शायद। उसमें भी एक बच्ची ऐसे एक आदमी को रास्ते पे मिलती है, वो उसे अपने घर ले जाता है, उसकी बीवी उसे खाना खिलाती है, फिर वो आदमी पुलिस स्टेशन चला जाता है कंप्लेन कराने के लिए। लौट के आता है तो देखता है उसके बीवी बच्चे दोनों मरे हुए हैं, ब्रूटल स्टैबिंग। घर का सामान भी चोरी था, कुछ बच्चियों का गैंग था,
और शायद वो बच्चियां अभी तक पकड़ी नहीं गई हैं। हाँ, उसके पास बहुत पैसे, लेकिन ऐसा कुछ करना होगा ताकि वो मेरा पीछा ना कर सके। लेकिन तुम करोगी क्या? पता नहीं, तुम क्या करोगी? मैं चलती हूँ, टाइम हो गया, बाद में बात करेंगे। हाँ रोहित पापा, चलिए। काम हो गया? हाँ। ये ना, तुझे लड़की पैदा करने से पहले सोचना चाहिए था। अब उठाओ अपना बैग और निकल जाओ यहां से। हो गया घूमना फिरना? चलो अब जल्दी से घर जाओ और होमवर्क कंप्लीट करो, मम्मा जल्दी आएगी। ओके, बाय, लव यू। अच्छा वो पुष्पांडी को फोन दो। हाँ, जूही को खाना खिला देना और जब तक मैं ना हो ना घर पे ही रहना। ठीक है। हाँ चलो लड़कियों। ये सीसीटीवी वाली लड़की गणेश नगर पुलिस स्टेशन में वांटेड है मर्डर केस में, तकरीबन 7 महीने पहले हुआ था। और ये सीसीटीवी वाली लड़की ना कोई और है, रूही के हाथ पे निशान है वो टैटू का, स्टार वाला। चोरी करके भागी थी, बाद में उसने टैटू बनवा लिया होगा, पैसे थे उसके पास। मुझे फिर भी नहीं लगता, उन दोनों बच्चों को देखकर लगता है कि वो लोग खुद ही किसी मुसीबत में। और जिस तरीके से बच्चा देख रहा था ना मुझे, उसकी नजरें। पहले गणेश नगर पुलिस स्टेशन से इस सीसीटीवी वाली लड़की की डिटेल्स निकलवाते हैं, तब आपको यकीन हो जाएगा कि वो मुसीबत में नहीं बल्कि वो दोनों खुद मुसीबत है। कांस्टेबल सुरभि को रवि और रूही की तलाश ने 7 महीने पहले के एक मर्डर केस तक पहुंचा दिया था, जिसमें रूही को सस्पेक्ट के तौर पर पुलिस पहले ही ढूंढ रही थी। पुलिस को ना तो रूही के अतीत के बारे में कुछ पता था, ना ही रवि के, और अब तक तो गुंजन का नाम भी उनके सामने नहीं आया था। सवाल यह है कि रूही रवि से कैसे मिली और इस वक्त गुंजन उनके साथ क्यों नहीं थी। उससे बड़ा सवाल यह है कि रूही और रवि किससे भाग रहे थे, वो जा कहाँ रहे थे और अगला वो क्या करने वाले थे। हाँ, ये वही लड़की है, शकील भाई के दूर के रिश्ते की एक बहन गांव में रहती थी, ये उन्हीं की लड़की है। इतने भले इंसान थे शकील भाई, इसे गांव से लेकर आए, स्कूल में एडमिशन करवाया और देखो क्या मिला उनको, उन्हें ही मार के उनको लूट के भाग गई। इस लड़की से कोई मिलने आता था, उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त? नहीं, मिलने तो कोई नहीं आता था, पर पार्क में इसकी एक सहेली थी, उससे ये बहुत बात करती थी। कौन सहेली? अब पुलिस के चक्रों में कौन पड़े मैडम, ना तो उसने हमें कोई नुकसान पहुंचाया था और ना कोई चोरी की थी, अब भाग गई तो भाग गई। उसका घर कहाँ है? अब हमें क्या पता, हमें तो एक प्लेसमेंट एजेंसी से मिली थी। पर वो आपके घर में काम करती थी, क्या क्या काम करती थी? सिर्फ साफ सफाई और मेरे बेटे रोहित की देखभाल। कुंजन नाबालिग थी? हाँ मैम, पर मैं उसका अपनी बेटी की तरह ख्याल रखती थी, कपड़ा खाना पीना सब देती थी, जो मेरा बेटा रोहित खाता था वो वही खाती थी। पर आपका बेटा पढ़ाई लिखाई भी करता है, गुंजन का भी तो वो हक बनता था। आप मुझे उस प्लेसमेंट एजेंसी का नंबर दीजिए जहां से आप उसे लेकर आई थी।
फिर वो व्हाइट बीटा वैन जिसमें हमें एक्सप्लोजिव मिला था उसके मूवमेंट को ट्रैक किया, वो ऑलमोस्ट पूरे शहर में घूमी। और उन दोनों लड़कों को कुछ पता चला? लास्ट लोकेशन पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर का है, एक सीसीटीवी में भी कैप्चर हुए हैं। ये देखिए सर, पूरे चांसेस है ये लोग शहर से बाहर निकल गए हैं। लेकिन गाड़ी छोड़कर क्यों गए? एक काम करो गायकवाड, ये इंटर स्टेट अलर्ट जारी करवा दो और ये फोटो महाराष्ट्र के सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। जी सर। 2 साल से मेरी आंखें गुंजन को तलाश रही है। स्कूल में किसी लड़की से हाथापाई हो गई थी जिसमें उस लड़की को फ्रैक्चर हो गया। शायद इसी डर से गुंजन लौटी ही नहीं वापस। हमने गुंजन को ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर कहीं नहीं मिली। आप मेरे गुंजन को ढूंढ लीजिए। देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगर गुंजन यहाँ आती है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करिएगा। ये रूही हमें मिल जाएगी फिर। पर मैडम इन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है और मैंने इस रूही के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की पर कुछ हाथ नहीं लगा। और उसके हाथ में बना वो स्टार वाला टैटू वो तो बहुत कॉमन है, लगभग हर टैटू आर्टिस्ट हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे टैटू बनाते रहता है। मुझे लगता है ना तुम्हारे खबरी नेटवर्क को वायरस लग गए, एंटीवायरस डलवाओ और काम पर लग जाओ। मुझे ये बच्चे चाहिए वो भी जल्द से जल्द। ऐसे नहीं सुनीता, हमारे यहाँ बॉलीवुड और क्लासिकल दोनों सिखाए जाते हैं और अगर किसी स्टूडेंट को ज़रूरत हो तो ऊपर हमारे यहाँ रहने की सुविधा भी है। साल में 2 बार हमारे यहाँ शोज होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को पे भी किया जाता है। फीस कितनी लेंगे? 3,000 रुपीज़ पर मंथ और अगर लॉजिंग भी चाहिए तो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आप जब तक ये फॉर्म भर दीजिए तब तक मैं आपकी बेटी का टेस्ट ले लेती हूँ। चलो बेटा। सर मैंने शकील अंसारी का बैकग्राउंड पता किया, उसकी ऐसी कोई बहन थी नहीं जो गांव में रहती और उसकी बेटी उसके पास रहती। तो फिर ये रूही उसकी कौन थी? सर ये इलीगल इमिग्रेंट्स हो सकते हैं, ऐसे कई सारे गैंग्स एक्टिव हैं, पहले लोगों को फंसाकर लूटते हैं फिर उनका मर्डर करके भाग जाते हैं। मैंने एक केस पढ़ा था, बिहार का था शायद, उसमें भी एक बच्ची ऐसी एक आदमी को रास्ते पे मिलती है, वो उसे अपने घर ले जाता है, उसकी बीवी उसे खाना खिलाती है, फिर वो आदमी पुलिस स्टेशन चला जाता है कंप्लेन कराने के लिए। लौट के आता है तो देखता है उसके बीवी बच्चे दोनों मरे हुए हैं। मुझे लगता है हमें हमारे सर्च का दायरा बढ़ाना चाहिए। प्रताप, जितने भी हिस्ट्री शीटर बैगिंग रैकेट और लोकल गैंग के मेंबर्स हैं उन सबको खंगालो, बच्चे हमारे हाथ से आकर निकल गए और इस केस की डिटेल्स क्राइम ब्रांच को भी शेयर करो। ओके। हेलो, लक्ष्मण मेरे को ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है नहीं तो ये केस ना मेरे हाथ से निकल जाएगा। उसका टेंशन मत लो मैम, एक खबर लाया हूँ। खीर खानी है? बना दूंगी, शाम को बना दूंगी, जब चाचे के यहाँ से खेल के आएगा ना तो खा लेना। और हाँ थोड़ी सी कृति दीदी के लिए भी। ठीक है, उसको भी दे दूंगी। अब तो सीधा बिना चाचे के यहाँ जाना, इधर उधर खेलने मत लगना। ठीक है, जाने हो बच्चे, जा बाय। भाभी कब तक आप ऐसे रोती रहोगी? मुझे ऐसे छोड़ के कहाँ चला गया मेरा रवि? बहुत वक्त बीत चुका है, आप इस घर से कहीं और चले जाइए। इस घर में रवि की यादें हैं जो आपको भूलने नहीं देती। मैं कहीं भी चली जाऊँ मेरे साथ तो मेरे रवि की यादें आएगी ना।
एक ना एक दिन मेरा रवि जरूर वापस आएगा। क्या हुआ? मैं नहीं कर सकता। नहीं रवि, अब हम पीछे नहीं हट सकते। बुखार है तुझे? रुक यार, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? उनकी डेथ हो गई है। ये मेरा छोटा भाई है। आप दवाई दे दीजिए, मैं पैसे दे दूंगी। ठीक है, इसके कुछ ब्लड टेस्ट करवाने होंगे, उसके बाद ही मैं कुछ दवाई दे पाऊंगी। तुम लोग यहाँ पे बैठो, मैं नर्स को बुलाती हूँ। चल रवि, हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते। बस भागना बंद करो तुम दोनों। रोहित, चुपचाप बैठो यहाँ। भागने की कोशिश की ना तो पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी, और पुलिस स्टेशन ले जाकर शकील अंसारी के मर्डर में तुम्हें चिल्ड्रन होम भेज दूंगी, और इसे अनाथालय। फिर कभी नहीं मिल पाओगे। और ये सब क्या है, दिखाओ। पेट्रोल कहाँ आग लगाने की तैयारी हो रही है? देखो रोहित, मैं तुम सबकी मदद कर सकती हूँ, भरोसा करो मुझ पर। किसमें फंसे हो तुम दोनों? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो नहीं चाहिए हमें किसी की मदद, हमें किसी पे भरोसा नहीं करना। रोहित, जानती हो हमें गुंजन की लाश मिली, वो भी उसी के गांव से। क्या? अब मुझे बताओ किस चीज में फंसे हो तुम सब? गुंजन तो अपने गांव में थी, हम उसी के लिए तो जा रहे थे। गुंजन से मिलने जा रहे थे, वो भी पेट्रोल लेकर। क्या मतलब है इसका? मार दिया गुंजन को। किसने? हेलो, मैंने गुंजन को अभी मोहल्ले के बाहर देखा है। क्या बोलती हो, इस बार मार डालूं उसे? अरे गुंजन, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, वहाँ तेरी माँ कब से ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रही है घर पे। चल घर चल, चल। नहीं चाचा जी, मुझे घर नहीं आना, पापा डांटेंगे और फिर से नानी के यहाँ छोड़ाएंगे। अच्छा चल, अपनी चाची के घर चल। जब तेरे पापा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो तू अपने घर चल ही आना, ठीक है? चल 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 चल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर मुझे एक टीम चाहिए। रोहित बोलो बेटा, डरो मत, सर को भी बताओ जो तुमने मुझे बताया था।
गुंजन को उसके चाचा होमकर नहीं मारा होगा। उन्होंने ही उसे एक साल पहले प्लेसमेंट एजेंसी में भेजा था। मैंने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया है, जो सरला ने कहा है मैंने वही किया है सर। तुम गुंजन से कब छुटकारा दिलाओगे? वादा याद है ना आपका? बहुत जल्द, और फिर हम हमेशा साथ रहने लगेंगे। अच्छा बंसी, अब जाओ अभी यहाँ से। अरे छोड़ो बंसी भैया को, मैं बोल दूंगा कि मैं भाभी के हाथों की चाय पीने आया था। बंसी आ जाएगा, जाओ अब। अब जा। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, ले लो, ले लो। तुम्हारी दुख तकलीफें सब कुछ दूर करके एक अच्छी जिंदगी दे सकती हूँ। मैं डांस सिखाती हूँ और तुम भी डांस सीख के बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, एक अच्छी इज्जत की जिंदगी जी सकते हो। बोलो चलोगे मेरे साथ? आओ, आ जाओ। अच्छा सुनो, तुम यही वेट करो, पहले गुंजन का फॉर्म भर लेते हैं, ठीक है? चल। पुणे के अब तक के सबसे बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है पुलिस की कांस्टेबल सुरभि पाटिल ने। कांस्टेबल सुरभि ने एक डांस स्टूडियो में रेड करके कई नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया है और इसकी सरगना रागिनी यादव को अरेस्ट कर लिया गया है। कितना ढूंढा माँ, वो चाचा और चाची
छोटे से बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया क्यों किया? मैम वो जमीन चाहिए थी हमें, इसलिए जमीन चाहिए थी, जेल में देती तुझे जमीन। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। क्राइम पेट्रोल की टीम सुरभि पाटिल और ऐसे तमाम साहसी पुलिस वालों को सलाम करती है जो अपने काबिलियत के दम पर लोगों की सुरक्षा करते हैं। सुरभि पाटिल की काबिलियत और साहस देखकर पुलिस डिपार्टमेंट ने उसे वक्त से पहले कांस्टेबल से एएसआई के पद पर प्रमोट किया। कांग्रेट्स सुरभि पाटिल, नाउ यू आर एएसआई। थैंक यू सर। मीना और रूही को पुणे के चिल्ड्रन शेल्टर होम में भेजा गया जहां उनकी रेगुलर काउंसलिंग हो रही है आज और वो अपने सदमे से उबर भी रहे हैं। सुरभि दिल की अच्छी लड़की थी इसलिए वो वक्त पर हिम्मत वाली बन पाई। शुरुआती तौर पर सुरभि अपने इर्द गिर्द हो रहे अपराधों को देखकर भी उनके खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन जब उसने हिम्मत जुटाई तो उसके सामने आने वाला हर अपराधी कमजोर पड़ गया। आगे चल के सुरभि ने ऐसे कई सेक्स रैकेट्स का भांडा फोड़ा और कई लड़कियों की जान बचाई। इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के नए एपिसोड के साथ। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।